नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आप सभी को कि टीम ने यूपीएसआई एएसआई का जो बैच प्रारंभ किया है उसमें सभी क्लासेज आपकी आज से प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। सुबह आपको 10 बजे से थोड़ा सा लेट हुई मैथ्स की क्लास मिली, फिर आपको हिंदी की क्लास मिली। शाम को 6 बजे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पॉलिटी के विषय में, क्योंकि इससे पहले यह कोर्स आपका चल रहा था और लेखपाल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो उन 3 महीनों में काफ़ी कुछ समाप्त भी हो चुका है। जो लोग उससे जुड़े हैं, काफ़ी लोग जुड़े थे जीएस में, जो आपका जहां तक मैंने उसमें पढ़ाया था उससे आगे मैं प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें जितनी चीज़ें मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूं, जो पिछली चीज़ें रह गई हैं वो जितना मैं समाप्त करूंगा उसके बाद फिर से, ठीक है, आपका चैप्टर 1 से पूरी चीजें शुरुआत हो जाएगी, तो उसमें नहीं परेशान होना है। जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको 10+ कोर्स यूपीएसआई एसआई के अंतर्गत, इसमें जो है राज्य से संबंधित है आपका, जो भाग 6 से संबंधित पूरा प्रावधान है भारतीय संविधान में। चूंकि अगर आप राज्य स्तर के पेपर एनालिसिस किए होंगे, ठीक है, जीएस के पेपर में, तो पॉलिटी में 4 से 5 प्रश्न आपके होते ही होते हैं 50 प्रश्नों में, मतलब 5 प्रश्न तक का दायरा आपका पॉलिटी कवर करता है। और छोटे सब्जेक्ट से अगर आपके प्रश्न, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो, बाल जीवन घुट्टी हम राजनीति के तौर पर ही शुरुआत से पीते आए हैं, और उससे संबंधित जब चीजें गलत होती हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में कोई ना कोई रणनीति में फर्क जरूर हो जाता है। तो इस चीज पर आपको काबिल होना है कि सबसे पहले आपको यह प्रयास करना चाहिए कि जितने भी छोटे सब्जेक्ट हैं उन छोटे सब्जेक्ट से सारे प्रावधानों में कहीं भी आपसे कोई प्रश्न गलत ना हो। तो पॉलिटी छोटा सा सब्जेक्ट है, जिस अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस अनुसार टीसीएस पूछ रहा है, उस अनुसार इसको पढ़ते थे। तो जो लोग 10+ के अंतर्गत अभी तक लेखपाल से जुड़े थे उसमें जितनी क्लासेस थी उन सभी की आपकी पूरी चीजें आपको उपलब्ध करवा दी जा चुकी हैं। कंबाइंड पीडीएफ आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके अलावा आपके जो है 3 मंथ की कोर्स भी अवधि भी समाप्त हो चुकी है, तो अब आप आगे के लिए जो आगे जितना कुछ बचा है, जैसे इस समय मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ये समाप्त होगी तो ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका जो है पॉलिटी शुरू से भी पढ़ाई जानी है, पॉलिटी के बाद साइंस आ जाएगी, ऐसे ही पूरी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो दिन में आपको 4 तरीके से क्लासेज, चार क्लासेज मिलनी है और चारों अलग अलग मिलनी है, उसकी फिर नोट्स मिलेगी, उन पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो भी लोग हैं एसआई एएसआई से, वो 3 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये कोई दबाव नहीं है आप पर। हम जो वीडियो आपको जितना कुछ वीडियो में पढ़ा रहे हैं, अगर आप इससे देखकर नोट्स बना सकते हैं बनाइए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, इन सारी सुविधाओं का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो 3 महीने के लिए 499 इतनी बड़ी भी चीज नहीं है, ठीक है, ये नाम मात्र की सहायता राशि है 499, जिससे कि हम आपको हर एक नोट्स, हर एक क्वेश्चन समय पर अच्छी तरीके से मैनेज पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा पाए। इसलिए ये 3 महीने तक का आपका वैध रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। 499 आप पे करेंगे 3 महीने तक, 4 क्लास जैसे चल रही, 5 चल रही, 6 चल रही, जितनी चलेगी सभी की पीडीएफ हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। बाकी वीडियोज पर कोई भी चार्जर नहीं है, निःशुल्क है, सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो, वहां भी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। इसके अलावा हमारे जैसे लोअर मेंस का लेकर फुल कोर्स चल रहा है, जो लोग लोअर मेंस दे रहे हैं वो फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स में क्लासेज आपकी लगभग 100 टेस्ट हैं इसमें, ठीक है, 100+ टेस्ट रखे गए, क्लासेज रखी गई हैं और बहुत सारी चीजें इसमें, फुल नोट्स दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लोअर मेंस जो करना चाह रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है, ठीक है, ऐसे तमाम कोर्सेज चलते हैं जो इस वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। किसी भी चीजों से जुड़ना है, कुछ भी करना है, तो इन दिए गए किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं भैया, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा रहा था राज्य का मुख्यमंत्री, आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, यह है टॉपिक आपका राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी आपका घर है, परिवार है, परिवार में आपके जो है दादाजी हैं, पिताजी हैं, फिर उसके बाद जो है आपकी पीढ़ी आ गई तो उसमें आप हैं। दादाजी को या ऐसा समझो कि जैसे आपका परिवार एक देश है, तो दादाजी क्या है, राष्ट्रपति की तरीके से हैं, परिवार के प्रथम सदस्य के तौर पर आते हैं, भाई सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हीं से पीढ़ी आगे बढ़ी है। पिताजी आपके उस समय भूमिका क्या हो जाती है, पिताजी की भूमिका आपके बन जाती है मुख्यमंत्री की तरीके से, और अन्य जो चीजें हैं उनके, मान लीजिए आपके पिताजी के कई और भाई हैं,
ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा है, तो उसमें आपके अन्य भाई जो भी हैं उनमें भी आपके छोटे छोटे उनसे सलाह मशवरे लिए जाएंगे। तो कभी भी दादाजी आपके किसी भी सलाह मशवरे में अपनी भूमिका तो रखते हैं, जरूरी है उनसे कोई भी आपस में आपके पिताजी के भाइयों ने बातचीत की कि ये काम करना है, तो वहां पर वो पिताजी को जरूर बताएंगे, भले ही पिताजी उस पर कुछ बोले ना बोले, अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन उनको जरूर सूचित किया जाता है कि पिताजी ऐसा ऐसा काम होने जा रहा है। ठीक है, अब वो अपना मशविरा दे सकते हैं, आप चाहो तो मानो पर भाई भर या ना चाहो तो ना मानो। तो ये चीजें जैसे चलती हैं, वैसे जब कोई राज्य होता है, कोई स्टेट होता है, तो उस स्टेट में भी एक आपका सीईओ बनता है, एक सबसे ऊंचा व्यक्ति बनता है। जैसे देश में आपका राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, वैसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को जो लोग एसआई दे रहे इनको आगे पढ़ाऊंगा, फिर से पूरा आपका टॉपिक रिटर्न होगा। तो राज्य में जैसे आपका मुख्यमंत्री जो होगा, यह मान लीजिए आपके पिताजी की भूमिका में है, मतलब सब कुछ जो करने वाला सूत्रधार है, कर्णधार है, वह आपका क्या होता है, राज्य का मुख्यमंत्री। लेकिन अब आप घर में अभी कभी भी ये होगा, कहीं से रिश्तेदारी मेहमानी से कोई भी आपको निमंत्रण आता है, तो उसमें आपके पिताजी का नाम बहुत कम ही होता है। मान लीजिए कहीं शादी का कार्ड मिला, अब एकल परिवार नहीं, जहां संयुक्त परिवार है, मैं वो व्यवस्था कह रहा हूं, तो उसमें आपके पिताजी के नाम से ही आपका आमंत्रण होगा। ठीक है, मतलब जितना पत्राचार चल रहा है वह सब पिताजी के जो है पिताजी के नाम से हो रहा है। और कर कौन रहा है, पिताजी ही तो वर्तमान समाज में सारी चीजों को निभा रहे, सक्रिय सदस्य के तौर पर भूमिका निभा रहे, लेकिन नाम किसका जा रहा, नाम दादाजी का जा रहा। तो ऐसे राज्य में और ऐसे अपने केंद्र में दोनों चीजें चलती हैं, करने धरने वाले तो सब प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट है पूरी की पूरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन नाम किसका चलता है, नाम चलता है प्रेसिडेंट का। जो कुछ किया जाएगा वो सब प्रेसिडेंट के तौर पर होगा। ऐसे ही किसी भी राज्य में जब कोई राज्य बन जाता है तो उस राज्य का मुखिया जो है, ठीक, वह जो मेन कर्ता धरता होता है वह क्या हो जाता, मुख्यमंत्री बन जाता है। अब कोई अगर स्टेट है, स्टेट यानी राज्य है, इसकी परिभाषा, चूंकि भारत देश में एक सवाल पूछता है कि भारत का संविधान सबसे लंबा क्यों है। भारत का संविधान इसलिए लंबा है क्योंकि केंद्र सरकार का कानून और साथ ही साथ राज्य सरकार का कानून दोनों अलग अलग हैं और दोनों संविधान में वर्णित हैं, इसलिए भारत देश का कानून सबसे लंबा है। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग पूछा है। अब बात आती है कि जिस राज्य के बारे में हम आप बात कर रहे हैं वह राज्य की अवधारणा क्या है। ठीक है, जो लोग पहले देखे हैं उन्हें मालूम है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, भैया कोई भी राज्य है, राज्य को हम भारत को भी बोल सकते हैं, इंडिया इज अ स्टेट। ठीक है, भारत भी एक राज्य है। ठीक, लेकिन यहां पर जो परिभाषा बोली वो मैंने आपको जो वैश्विक स्तर की परिभाषाएं चलती हैं, वैश्विक संदर्भ में परिभाषाएं किसी राज्य की चलती हैं, मैंने वह परिभाषा आपको बताई है। वैश्विक संदर्भ में अगर किसी चीज को राज्य बोला जाता तो उस राज्य के चार तत्वों का होना जरूरी है। कौन कौन से, अगर कोई राज्य है तो राज्य के लिए यह कहा जाता कि उस राज्य का निश्चित भूभाग होना चाहिए। पहली जो है अंग जो है तत्व जो है यह आवश्यक है। उस राज्य का अगर निश्चित भूभाग है, एक बाउंड्री पता है कि इस राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यह है, तो वह एक राज्य की श्रेणी में गिना जा सकता। दूसरी चीज, अगर कोई राज्य है तो उस राज्य में जो है जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए, यानी अगर राज्य है तो वहां पर लोगों का निवास होना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि एक जंगल है, जंगल में जाकर के उसको हम राज्य घोषित कर दिए कि ये एक राज्य है। अगर कोई राज्य है उसका भूभाग है तो उस भूभाग के अंतर्गत जनसंख्या होनी चाहिए, यह दूसरा राज्य का अव्यय है। तीसरा जो राज्य का तत्व होता है वह यह होता है कि उस राज्य में एक सरकार का निवास होना चाहिए, वहां पर कोई ना कोई सरकार होनी चाहिए राज्य में। अगर राज्य है तो राज्य के तीसरे अंग के तौर पर सरकार का होना जरूरी है। चौथी चीज, अगर कोई राज्य है तो इसका चौथा सबसे महत्वपूर्ण अंग यह होता है कि उस राज्य का संप्रभु होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब आपका घर है और आपके घर में आपके सदस्यों ने जितना फैसला लिया वही चीजें सर्वमान्य हैं। हमारा देश है तो हम अपने देश में जो नीतियां बनाएंगे, जो विदेश नीति तय करेंगे, घरेलू नीति तय करेंगे, वह हम करेंगे। हम किसी के भी दबाव में कोई भी फैसले नहीं लेंगे, वह है संप्रभु
प्रभुता, और जब तक कोई राष्ट्र संप्रभु नहीं है, अपने फैसले को लेने में सक्षम नहीं है, तब तक वह राज्य की संकल्पना के दायरे से बाहर है। तो राज्य यह हो गया। भारत में बात आती है कि जब राज्य की बात करते हैं, यहां सरकार की बात करते हैं, तो राज्य भारत देश में सरकार जो है, सरकार के तीन अंग होते हैं राज्यों में। इस समय इससे पहला जो लेक्चर रहा वो हमने पढ़ा क्या, वो हमने पढ़ा कार्यपालिका से संबंधित। राज्य की कार्यपालिका में जिसमें राज्यपाल शामिल होता है उसको हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, एक होती है आपकी कार्यपालिका, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। आज हमें विधायिका के बारे में ही पढ़ना है, विधायिका तो कल बात करेंगे। वैसे तीसरी जो व्यवस्था होती है यह न्यायपालिका होती है। तो तीन अंग आपके यह केंद्र स्तर पर हैं और तीन ही अंग यह आपके राज्य स्तर पर हैं। तो अपने यहां सरकार के तीन स्तंभ होते हैं, तीन अंग होते हैं। एक होती है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है विधायिका लेजिस्लेटिव, तीसरी होती है न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी अपने यहां केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट बैठी है और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसके अधीन पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की कोर्ट होती है। तो न्यायपालिका अपने यहां स्वतंत्र रूप से पाई जाती, हर एक राज्य की अपनी न्यायपालिका है, केंद्र की अपनी न्यायपालिका ही है। विधायिका हर एक राज्यों में, ठीक है, विधायिका का प्रावधान है। कहीं कहीं पर यह सदन आपके दो सदन में है और कहीं कहीं एक हरी व्यवस्था है, मतलब केवल आपकी विधानसभा मौजूद है। कार्यपालिका में अगर देखा जाए कि कार्यपालिका सरकार का जो आपका एक अंग है, पहला अंग, अगर राज्य स्तर पर देखें तो कार्यपालिका आपकी, या केंद्र स्तर पर देखें, कार्यपालिका दो तरीके की होती है। एक कार्यपालिका आपकी यह होती है अस्थाई कार्यपालिका, ठीक है, परमानेंट आपकी एग्जीक्यूटिव, और दूसरी जो होती है यह होती है आपकी अस्थाई कार्यपालिका, मतलब कुछ दिन रही और उसके बाद चली गई। देखो अस्थाई कार्यपालिका जो होती है इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अस्थाई कार्यपालिका में जैसे हो गया आपका जो है राज्यपाल, मैं राज्य के स्तर पर बात कर रहा हूं, केंद्र के स्तर पर बात करूंगा तो यह हो जाएगी राष्ट्रपति की संकल्पना। राज्यपाल आपका अस्थाई में भी है, उसके बाद जितने भी आपके आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं, वह सभी इसके अंतर्गत हैं, यानी जितने नौकर साह हैं सभी नौकर साह अस्थाई कार्यपालिका के अंग हैं। वहीं अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका में जितने भी आपके नेतागण आते हैं यह सभी अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत हैं, क्योंकि यह 5 साल के बाद आपकी बदल जाती है, ठीक, यानी राजनैतिक जो सत्ता है यह अस्थाई आपकी कार्यपालिका है, लेकिन जो नौकर साह आपके बैठे हैं ये अस्थाई है। किसी की भी सरकार आए, किसी की भी सरकार जाए, लेकिन ये हमेशा सत्ता में बने रहते हैं, मंत्रियों का साथ देते हैं, और जितने क्रियाकलाप आपके जो है एग्जीक्यूटिव को लेकर के है, विधायिका कानूनों का निर्माण करती है अपने यहां, विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। और विधायिका में अंग देखा जाए तो अपने यहां राज्यों में, विभिन्न राज्यों में दो सदनी और विभिन्न राज्यों में एक सदनी आपके मिलते हैं केवल आपके इसमें। यहां पर अगर विधायिका का अंग केंद्र के बारे में मैं बात करूं तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति आपका विधायिका का जरूरी अंग है, वैसे अपने यहां राज्यपाल भी विधायिका का जरूरी अंग होता। तो राज्यपाल भैया कानून बनाने वालों में भी सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि अगर विधायिका किसी बिल को पास करती है और उस बिल पर राज्यपाल अपना हस्ताक्षर नहीं करता तो वह बिल एक्ट में, वह बिल अधिनियम नहीं बनता है, वह प्रस्ताव अधिनियम नहीं बनेगा। राज्यपाल जब प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है तभी वह अधिनियम बनता। तो राज्यपाल विधायिका का भी अंग है और राज्यपाल आपके कार्यपालिका का भी अंग है। यह दोनों श्रेणियों में राज्यपाल आपका आता है, समझ गए? राज्यपाल दोनों श्रेणियों में आता है, यह कार्यपालिका का भी अंग है और यह विधायिका का भी अंग है, यानी अस्थाई सरकार में भी बना है और इधर आपके अस्थाई सरकार में भी बना होता है। तो विधायिका कानूनों का निर्माण करती है और उन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। और साथ ही साथ न्यायपालिका देखती है कि वह कानून संविधान में किए गए प्रावधानों के कहीं
अनुचित तो नहीं है उससे? अगर अनुचित होती है तो चूंकि आर्टिकल 13 में राज्य की परिभाषा अपने में दी गई है, राज्य का अर्थ है कि भारत देश या भारत केंद्र या राज्य के अंतर्गत कोई भी ऐसी इकाई जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का प्रभुत्व है वह एक राज्य होगी। ठीक है, मतलब हर एक चीज अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो वहां वह आपके अधिकारों का शोषण नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पर सबसे पहले शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती। 13 में ही बता दिया कि अनुच्छेद 13 राज्य को परिभाषित करता और जो फंडामेंटल राइट्स आपको दे रहे यह राज्य के विरुद्ध है, यानी कौन कौन सा व्यक्ति आपके इन अधिकारों का शोषण या हनन नहीं कर सकता। तो राज्य की शब्दावली में आर्टिकल 13 का स्थान बहुत महत्व है। राज्य को चलाने में अलग अलग जो अंग हैं उनका अलग अलग प्रभाव है, न्यायपालिका का अलग रोल है, विधायिका का अलग रोल है और कार्यपालिका का अलग रोल है, उन्हीं पर मैं परिचर्चा कर रहा हूं। राज्यपाल में राज्य जो है, कार्यपालिका में मैंने राज्य को राज्यपाल को बताया कि जब कोई बिल सदन के दोनों आपके पटलों से पारित होकर के राज्यपाल के सामने रखा जाता, वह उस पर हस्ताक्षर करता और वह बिल यानी प्रस्ताव एक क्या बन जाता, कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद जब द गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र में वह प्रकाशित हो जाता है तो वह कानून इन्फोर्स हो जाता, लागू हो जाता। कानून बनना, कानून का लागू होना, दोनों चीजों में अंतर है। राज्यपाल का साइन या प्रेसिडेंट की साइन से सिर्फ कानून का निर्माण होता है, वह बिल जो होगा, प्रस्ताव जो होगा, विधेयक जो होगा वो किसमें, वो एक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वह एक्ट आपका इन्फोर्स तब होगा, लागू तब होगा जब द गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र में वह प्रकाशित हो जाता है। तो इन सारी चीजों को अभी तक सिर्फ हम भूमिका पर परिचर्चा कर रहे थे, तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य का मुख्यमंत्री। हर एक राज्यों को लेकर के यह प्रावधान है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आपको उत्तर प्रदेश के माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रावधानों की परिचर्चा कर रहा हूं। यहां पर जो है यह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित है, तो एक एक पॉइंट के तौर पर मैं परिचर्चा करते चल रहा हूं। आप जैसे नोट डाउन कर रहे हैं तो पहले शॉर्ट वे में, पहली बार जब वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स दूसरी बार, ठीक है, आप अपने हिसाब से देखते हुए सारी चीजों को बनाएं, या नोट्स के लिए समय बचत करना चाह रहे तो उसके लिए आप पीडीएफ प्लान ले सकते हैं। चलिए, इसमें पहली हेडिंग जो आप डालेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होती है, पहली चीज तो यह आ गई, पहला ही सवाल मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है या मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो इस सवाल को समझ के उत्तर दीजिए। हमेशा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है मुख्यमंत्री का, पहला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, केवल अनुच्छेद 164 बोलता, कौन सा आर्टिकल 164 बोलता कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी यहां आपको स्पष्ट हो गया कि जो राज्यपाल है वह अपॉइंट करता है किसको, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वह आर्टिकल 164 के जरिए अपॉइंटमेंट उसका जो है अपॉइंट होता है, नियुक्त तो होता है, ना कि वह कहीं से चुना जाता है, ठीक है, निर्वाचन नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाते, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सारी पार्टियां आई, वह पार्टी जो मेजॉरिटी के तौर पर है, जिसको बहुमत मिला हुआ है, उस पार्टी के मुखिया को, नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है, इस बात को समझ जाइए। ऐसी अवस्था आ गई जब देखा राज्यपाल ने कि मुख्यमंत्री के, ऐसी अवस्था आपकी आ गई जब राज्यपाल ने देखा कि मुख्यमंत्री के तौर पर बनने के लिए कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं है, यानी ऐसी कोई पार्टी आपकी नहीं है जो बहुमत के जो है उसमें
स्थिति में है तो उस दौरान राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और वहां पर वह कहता है कि आपको इतने दिनों के भीतर बहुमत हासिल करना होगा। मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री आपका किसी निचले सदन या उच्च सदन से हो, मुख्यमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, यह कंपलसरी है बस। ठीक, अगर सदस्य नहीं है तब भी 6 महीने तक तो वह चल ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सवाल आपसे यह पूछता है कि अगर किसी बहुमत दल को आप किसी भी दल को आम चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगा। ठीक है, वहां पर आपको देखना होता है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि मुख्यमंत्री नियुक्ति होने से पूर्व कोई भी व्यक्ति बहुमत साबित करे, ऐसी कोई चीज नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। अगली चीज, राज्यपाल को पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने का उसको जो है समय देना होगा कि आपको इतने दिनों के भीतर आपका अपना बहुमत सिद्ध करना है। ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो, 6 महीने के लिए आराम से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने के भीतर किसी अगर आप सदन से सदस्यता ले लेते हैं तो आप आगे बन जाएंगे, नहीं तो 6 महीने तक अपने यहां आराम से मंत्री बन सकते, प्रधानमंत्री बन सकते और आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या राज्य में कोई मंत्रालय ले सकते हैं, यह अपने यहां प्रावधान है। तो मान ले कभी ऐसा सवाल पूछ ले कि क्या कोई सदस्य बिना किसी सदन की सदस्यता के मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या आपका कैबिनेट मंत्री बन सकता है, तो वहां कहना कि हाँ, 6 साल के लिए वो 6 माह के लिए वह ऐसा कर सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, चाहे वह ऊपरी चाहे वह निचले, यानी चाहे वह आपके विधान परिषद का सदस्य है चाहे वह विधानसभा का सदस्य है, उसको किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। नहीं है तो 6 महीने तक वह क्या कर सकता, आराम से मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां क्या क्या हैं, राज्य में इस पद की उपयोगिता क्या क्या है, किस लिए इस पद का निर्माण किया गया है। तो समझिए, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सबसे पहले इसका कार्य क्या होगा, इसकी शक्ति क्या होगी, इसको समझे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठी होती है राज्य स्तर पर, उस राज्य स्तर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में आपके चीफ मिनिस्टर की पावर क्या होती है या इसके वर्किंग क्या होती है। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में निम्नलिखित शक्तियों का इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी शक्तियां इसको मिलती है समझिए। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी संस्तुत मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, यानी अब इसमें अगर हम देखें, कोई भी आपका मंत्री जो बनेगा वह मुख्यमंत्री जब सलाह देता है राज्यपाल को, उन्हीं को राज्यपाल आपका मंत्री के तौर पर क्या करता है, जो है नियुक्त करता है। अगली चीज, अपने पद से त्याग पत्र देकर वह पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही समाप्त हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मतभेद अगर किसी से हो गया, ठीक है, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता या उसका इस्तीफा ले सकता है। ठीक, यह मुख्यमंत्री की पावर होती है, या बोल सकता है राज्यपाल से कि उसको बर्खास्त कर दिया जाए, यह एक मुख्यमंत्री की पावर होती है मंत्री परिषद के संबंध में। अगली चीज, वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रसारित करता है। पूछता है सवाल कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की जहां बात होगी वहां उसकी बैठक आपकी अध्यक्षता उसका मेन मंत्री मुख्यमंत्री करता है। वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है कि आपको कैसे कार्य करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, उन सभी में वह एक्टिव मेंबर की भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां क्या क्या हैं।
ठीक है, भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान करता, वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता हो गया राज्य का, राज्य का आपका सिविल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इन सभी की नियुक्ति के संबंध में क्या करेगा, राज्यपाल को सलाह देगा। ठीक है, आपका जो मुख्यमंत्री होगा वह इन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है। दूसरी बात, राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में वह संचार का प्रमुख माध्यम होता। आज मंत्रिपरिषद ने क्या फैसले लिए, किस पर मंत्रिपरिषद कार्य कर रही, भावी नीति क्या होगी, इन सभी की सूचना एक मुख्यमंत्री आपका राज्यपाल तक पहुंचाता है, या उन दोनों के बीच में एक कड़ी है, ज्वाइंटिंग है, जंजीर है। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में किसी मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है, इसको समझिए। जब राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यह आती है कि वह राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। ठीक है, कि सत्र का आह्वान किया जाए और सत्र का विराम किया जाए। उसके बाद वह राज्यपाल से किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता, सिफारिश करेगा। ठीक है, राज्यपाल भंग करता है, पावर उसको है, समझे। आगे बात करते हैं, वह सदन पटल पर किसी भी समय सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो होगा, मुख्यमंत्री जो होगा, वह सदन पटल पर किसी भी समय राज्य से संबंधित जो नीतियां हैं, सरकार से संबंधित जो नीतियां हैं, उनकी घोषणा कर सकता है। यह मुख्यमंत्री का जो है विधानसभा को, या वो आपके जो लेजिस्लेटिव है उसको लेकर के दायित्व और आपके कार्य और शक्तियां हैं, मेन ये कहेंगे। अन्य शक्तियां व कार्य अगर देखें तो वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, राज्य सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वह आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। अगली चीज, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद, हर एक जगह पर क्षेत्रीय परिषद होती है, जैसे भारत में आपकी 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, अलग अलग पूरी डिवाइड की गई हैं, ऐसे अपने यहां जब इसमें भी देखेंगे, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोलते, उत्तरी बोलते हैं, ठीक है, फिर बुंदेलखंड और ये पूरा रीजन लेने लगते हैं, तो जो क्षेत्रीय परिषद होती है इनका क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जैसे जो केंद्रीय स्तर पर क्षेत्रीय परिषद होती है उसमें जो उसका अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है आपका केंद्रीय गृह मंत्री, मौजूदा जो होता है। ठीक है, और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे पलटते पलटते 3 राज्य या 4 राज्य का कंबाइन करके एक आपका क्षेत्रीय परिषद बनती है, तो उसमें उसके उपाध्यक्ष जो होते हैं हर साल ऐसे, ठीक है, हर दूसरे साल या हर साल जो है बदलते रहते हैं, ऐसे ही इसमें प्रावधान होता है। एक समय में कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और जो मुख्यमंत्री है वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहता है क्रमवार, अब इनका उपाध्यक्ष, अब इनका, अब इनका, अब इनका, ऐसे। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, कौन, मुख्यमंत्री आपका। अगली चीज, वह अंतरराज्यीय परिषद, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं, ठीक है, उसका ये एक समिति बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से संबंध है तो अंतरराज्यीय परिषद बनती है कि इस जो है परिषद के अंतर्गत इतने राज्य हैं, ठीक, उसमें। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, अब तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, उसका स्थान कुछ और ले चुकी है। इसके बाद वह दोनों परिषदों पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। ठीक है, इन दोनों परिषदों पर, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें चाहे अंतरराज्यीय परिषद की बात करें, नेतृत्व किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन सक्रिय सदस्यों की भूमिका के तौर पर हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अपना अलग असर होता है। अब राज्यपाल के संबंध, 7 संबंध मुख्यमंत्री के कैसे होते हैं, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वह एक तो सीधा सीधा मैचिंग दे देता है कि अनुच्छेद जो है इसमें, उसके सामने लगा देगा, फिर कहेगा कौन सा सुमेल है कौन सा नहीं, कभी कभी बोल देगा कि इसको सुमेल कराइए, और कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछता है, तो आप लोगों में जो सवाल वह पूछता है यह डायरेक्ट पूछता है कि अनुच्छेद 163 में किसका वर्णन किया गया या इससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 163 को। 163 यह कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल उसकी सलाह पर कार्य करेगा। 163 में जो प्रावधान है कि आपका हर एक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री बनेगा और राज्यपाल उसकी सलाह पर कार्य करेगा। साथ ही साथ इसके अलावा वह अपने विवेकाधिकार के आधार पर कार्यों को संपादित करेगा। यह अनुच्छेद 163 आपका 163 बोलता है। ठीक है,
उसके बाद 164 में क्या प्रावधान है, 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पूछता है कि मुख्यमंत्री से नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका 164 हो जाएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाल की दया पर निर्भर है, और ऐसा भी नहीं है कि जब राज्यपाल का मूड ठनका तभी उसने जो है मंत्रियों को आउट कर दिया। ठीक है, जब तक मुख्यमंत्री सलाह नहीं देगा तब तक वह आउट भी और इन कोई नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 167, ये कई बार सवाल आया है कर्तव्य से संबंधित, कि मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन किस में है, किस अनुच्छेद में है। तो कर्तव्यों का वर्णन में इस प्रकार से बोला जाता कि ड्यूटी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर किस तरीके से है। सबसे पहली चीज आती है कि वह राज्य मामलों को प्रशासनिक फैसलों से संबंधित, ठीक है, विधान परिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को सौंपता। मैंने बताया ना कि जो राज्य विधान परिषद है, वो राज्य विधानसभा एक तरीके से, या विधायिका है, राज्य विधायिका है, उस विधायिका में क्या नीतियों का निर्माण हुआ, कौन से कानून बने आदि सबकी परिचर्चा वो राज्यपाल से करता है, मतलब राज्यपाल को उसकी सूचना देता है। पहली चीज तो ये बन गई। दूसरी चीज क्या बनती है कि प्रशासन के संबंध में जानकारी लेने पर राज्यपाल उसे बुला सकता है। राज्यपाल बुला सकता है, ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती कहेगा कि नहीं ये जानकारी ले लो, राज्यपाल बुला सकता है। अगली चीज, किसी मंत्री के फैसले के संबंध में यदि राज्यपाल को यह लगे कि उसकी संस्तुत मंत्री परिषद से जरूरी है तो वह क्या इसके लिए बोल सकता है, ठीक है, इसके लिए वह कह सकता है कि इसमें मंत्रिपरिषद से सलाह ली जानी चाहिए, राज्यपाल ऐसा बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, एक राज्य जो होता है उस राज्य के आपके मंत्री परिषद क्या होती है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर है, कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग होते हैं। भारतीय संविधान में मंत्री तीन प्रकार के बनते हैं, एक आपके कैबिनेट होते हैं, एक आपका मंत्री परिषद, दूसरा कैबिनेट मंत्री, अच्छा मंत्री के प्रकार बता रहा था, तो एक आपके क्या होते हैं कैबिनेट होते हैं, दूसरे स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और तीसरे उप मंत्री होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य में अगर संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, केंद्र की तरह ही है, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनेगा, सीईओ, वह मंत्री परिषद होती है, यानी मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है, जैसे आपकी केंद्रीय मंत्री परिषद है वैसे आपकी कौन सी है, राज्य की मंत्री परिषद होती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भारत देश का संविधान इतना लंबा क्यों हो गया, क्योंकि राज्य का आपका और केंद्र का दोनों का जो है हमें यहां पर संविधान, इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में शामिल है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 163 में बताया गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद राज्यपाल के विशेषाधिकारों के अलावा अन्य कार्यों के लिए सलाह देगी। यदि किसी मामले में राज्यपाल के विशेषाधिकार में कोई प्रश्न उठेगा तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है, इस बात को ध्यान रखना, राज्यपाल का ही निर्णय अंतिम होगा, उसकी जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, पर प्रश्न नहीं उठा सकते हो कि भैया इस पर जो है चीजें विवाद चल रही तो यह सही है कि गलत। अरे भैया, जो चीजें होती हैं आप आपसी समझ से क्या करते हो, उसको रहने देते हो, दादाजी कुछ बोल गए तो आप अपनी समझ के अनुसार कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे जाकर के जबरदस्ती हम लड़ने नहीं बैठ जाते कि तुम्हारी वजह से ये गलत हुआ, तो वही चीजें यहां पर है। आगे बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित क्या प्रावधान होता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति भैया राज्यपाल करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा, सलाह कौन देता है, राज्यपाल को सलाह आपका चीफ मिनिस्टर देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्य मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अपने मन से नहीं करेगा, मुख्यमंत्री जिन जिन नामों का रिकमेंडेशन देगा कि इनको इनको ये मंत्री बनाया जाए, उनको मंत्री बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, उसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो आपका मुख्यमंत्री जिनके जिनके नामों का क्या करता है, अनुमोदन करता है, उन्हीं उन्हीं को आपका क्या होगा, जो राज्यपाल होगा वह अपॉइंट करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा। और एक चीज तो मैंने बता ही दी कि भारत देश में भैया अगर आप मंत्री हैं, मंत्री बनना चाहते हो और विधान
आपके विधायिका के सदस्य नहीं है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, तब भी 6 महीने तक आराम से चल सकते हो। ठीक है, 6 महीने के भीतर कहीं से जुगाड़ लगा के सदस्यता हासिल कर लीजिए, तो आगे फिर आपका 4.5 साल का फिर से कार्यकाल बचा रह जाएगा, उसको भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता। शपथ में मंत्री निम्नलिखित जो है विश्वास दिलाता है, क्या बोलता, कि लोगों के साथ बिना दुर्भावना, अनुराग, डर, पक्षपात के भारतीय संविधान के अनुरूप समान ढंग से वह कार्य करेगा। अगली चीज, भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखेगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ पालन करेगा। ये मंत्री शपथ लेता है, अब उसके बाद वो करे या ना करे उस पर है। अब हम बात करते हैं मंत्रियों का उत्तरदायित्व। हमने मंत्री तो बना दिया, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है? तो सबसे पहले जितने मंत्री होते हैं ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। आपके दादाजी हैं परिवार में, ठीक है, और आपके पिताजी, 4 भाई हैं मान लीजिए, तो 4 भाई में से अगर कोई भी काम घर में कुछ भी हो रहा है तो सारे भाई, चूंकि आपसी सहमत से काम होगा, तो सारे भाई पिताजी के बातों का जवाब देंगे, या कोई भी सदस्य घर का पूछ सकता है कि आप लोगों ने वो किया था, क्या हुआ। तो एक तो सामूहिक जिम्मेदारी आपकी होती है, ठीक है, दूसरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर भी होती है हर एक की। तो मंत्रियों में भी सेम वही प्रावधान है कि सबसे पहले इनके सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय व्यवस्था जो अपनी है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसमें यह जो सामूहिक व्यवस्था की उत्तरदायित्व की बात की जाए तो केंद्र में भी वैसे है, वैसे ही राज्य में भी है। केंद्र में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वह जवाबदेह होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो जवाबदेह होते हैं, ऐसे यहां पर है। अनुच्छेद 164 क्या बोलता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, जवाबदेही होगी। किसके प्रति? राज्य जो आपकी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, उसके प्रति जो मंत्री परिषद होगी वह सामूहिक रूप से जवाबदेह होगी। ठीक है, अगली बात, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अगर हम करें, ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मतलब मंत्री जो होगा वह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर होते हैं, यानी राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है जब क्या हो जाए, विधानसभा विश्वास में हो तब। लेकिन कंपलसरी है कि मुख्यमंत्री आपका सलाह दे, ऐसा नहीं राज्यपाल की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है तो उसको हटा दे, नहीं, जब तक मुख्यमंत्री आपका सलाह नहीं देगा तब तक राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं, तो 163 164 का मतलब समझ गए। मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना कि कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, केंद्र की तरीके से ही राज्य मंत्री परिषद में भी 3 वर्ग हैं, जो मैंने पहले बताया। एक आपके जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक आपके राज्य के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, और तीसरा उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो जैसे केंद्र में है वैसे राज्य में भी है, राज्यों में भी अपने केंद्रीय कितने कैबिनेट के मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट में शामिल किए गए। इसमें केवल पद, वेतन और भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से विभेद होता है। ठीक है, पद का जो ये आपका क्या हो गया भैया, वो कैबिनेट मंत्री है तो पद की थोड़ी वैल्यू है, वेतन में थोड़ा सा रहता है, ठीक है, भत्ता और राजनीतिक महत्ता में अंतर होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है। जितने मिनिस्टर हैं कैबिनेट, उनके ऊपर आपका मुख्यमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग, जैसे गृह हो गया, रक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, आदि वित्त हो गया, कृषि हो गया, इन सभी से संबंधित क्या होते हैं, विभाग होते हैं, वह सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। इसकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी, जब कैबिनेट जो है नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका दे रहा, तो ये जो 3 तरीके बनाए गए ये क्या नीति निर्धारण में नहीं होते? होते हैं भैया, सभी होते हैं। राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार, आप लिखा देखते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, या वहां लिख दिया जाता है राज्य मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार नहीं लिखा है, तो राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार, ठीक, या बिना जो है स्वतंत्र प्रभार, दोनों तरीके से दिया जा सकता, कोई अंतर नहीं है।
जैसे स्वतंत्र प्रभार, आपका स्वतंत्र प्रभार जो है और कैबिनेट में बहुत अंतर नहीं है, ये दोनों आपके वैसे ही अपने अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के कार्य करते हैं, स्वतंत्र फैसले लेते हैं, स्वतंत्र जो है नीतियों का निर्धारण करते हैं, दोनों वही है। बस जो राज्य का आपका स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो गया और कैबिनेट में बस नाम में पद वगैरह में होता है, अंतर होता है, ठीक है। ये चीजें आती हैं। इसमें क्या होता है, साथ ही साथ कैबिनेट के साथ संबद्ध किया जा सकता है यद्यपि वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते। इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपका राज्य का जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, तो वह कैबिनेट में की मीटिंग में कभी भी भाग नहीं लेगा। हाँ, तब जाएगा जब कैबिनेट में स्पेशली उसको बुलाया जाए, तब वो जाएगा, लेकिन बिना बुलाने पर वह कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पद के हिसाब से उपमंत्री इसके बाद आते हैं। तीसरा जो आपका होता है, पहला कैबिनेट हो गया, दूसरा राज्य मंत्री हो गए और तीसरे उपमंत्री। तो उपमंत्री सबसे नीचे, उपमंत्री बस इनका मतलब ये होता है कि जो आपके अलग अलग केंद्रीय मंत्री हो गए, आपके जो है राज्य मंत्री हो गए स्वतंत्र प्रभार, इन सबकी तुम सहायता करो, ठीक है। इनके लिए विशेष चीजें नहीं है, इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाएगा, इनको कहा जाता है आप भैया जाकर के उनकी सहायता करिए, मदद करिए। तो तीन प्रकार के मंत्री यहां भी होते। अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट के बारे में, कैबिनेट मंत्री क्या होते, कैबिनेट क्या होती है, ठीक है। जैसे आपके केंद्र सरकार में कैबिनेट की व्यवस्था है, कैबिनेट मंत्रियों की व्यवस्था है, ठीक है, वैसे ही यहां राज्य सरकार में भी है। ये मंत्री परिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है, ठीक है। तो कैबिनेट का हिंदी मतलब होता है मंत्रिमंडल, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसका हिंदी मतलब मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक है। यह मंत्रिमंडल जो है यह आपके मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है, इस हिसाब से शामिल होते हैं। इसकी भूमिका क्या होती है इस पर परिचर्चा करते हैं। यह उच्च नियुक्तियां करता, जैसे संवैधानिक कार्यकारिणी और वशिष्ठ जो है वरिष्ठ प्रशासनिक जितने आपके सचिव हैं उनकी नियुक्तियां कैबिनेट करेगी। वह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है, कैबिनेट ही। वह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है, मुख्य आपात प्रबंधक होती है कैबिनेट आपकी। इस तरह आपात स्थितियों को संभालती भी है। अगली चीज, राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में यह सर्वोच्च आपकी नीति निर्धारक कार्यकारिणी है, कौन, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, मंत्रिमंडल। आगे बढ़ते हैं, मुख्य सचिव आखिर इसकी भूमिका क्या होती है, आप देखते हैं कि अच्छा चीफ मिनिस्टर के मुख्य सचिव बनाए गए, ठीक है। ये जो मुख्य सचिव होता है आपका, मुख्य सचिव की अगर बात करें, यह राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है, जैसे सचिवालय को लेकर आप सुनते हैं, ठीक है, चतुर्तल पंचम तल, ठीक। तो जो राज्य का सचिवालय होता है इसका आपका कार्यकारी प्रमुख जो है मुख्य सचिव होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया होता है, यानी जो आपका प्रशासन है उसका प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, मुख्य सचिव होगा। शासन प्रशासन दो चीजें होती है, ठीक है। अगली चीज, राज्य प्रशासनिक ढांचे के शिखर पर रहता है वह कौन, आपका मुख्य सचिव। जितने भी आपके आईएएस आईपीएस इन सबसे संवाद है, सब मुख्य सचिव के नाम से होगा, उसी के नाम से लेटर जाते हैं, ठीक है। वो लिखता है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता, वह सचिवों का मुखिया होता, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र होता है मुख्य सचिव। साथ ही साथ इसमें विभिन्न तरह की भूमिका अदा करता, उसकी स्थिति उसी तरह की होती जिस तरह भारत सरकार के सचिव की है, सेम एज राज्यों में उसकी पोजीशन है। अब इसकी मुख्य सचिव की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, देखो भैया जाहिर सी बात है इतना इंपॉर्टेंट अगर पद है तो इसकी शक्तियां और कार्य के प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित होंगे और हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और केंद्र द्वारा कोई सलाहकार नियुक्त ना हो तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार आपका मुख्य सचिव होता है उस दौरान, ठीक है। अगर केंद्र ने कोई सलाहकार नहीं नियुक्त किया तो राज्यपाल का वह मुख्य सलाहकार बनता है। दूसरी बात, राज्य प्रशासन के सभी मसलों पर वह मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार का कार्य करता है, ठीक है। राज्य प्रशासन से संबंधित कोई भी आपका मसला है तो उसमें जो आपका मुख्य सचिव होगा या मुख्य सलाहकार के तौर पर मुख्यमंत्री के कार्य करेगा। वह आपातकालीन प्रशासनिक प्रमुख भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
इसीलिए राहत अभियान में जुटे अधिकारियों का स्वाभाविक प्रमुख अपने आप मुख्य सचिव होगा। बाढ़ राहत संबंधित है कुछ भी करना है तो हर एक जिला जो है जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम होते हैं उनको मुख्य सचिव पत्र लिखकर भेजेगा, ठीक है, कि आपके जिले में बाढ़ और आपदा राहत से संबंधित कौन कौन से कार्य चलाए जाने हैं, इसमें राशन सामग्री है, चिकित्सा संबंधी है, ठीक है, राहत एवं बचाव संबंधी है, उन सारी चीजों की वह पूरा जो है पुनर्निवासन संबंधित है कि जो व्यक्ति निकाले गए उनको रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए, तो वह हर एक डीएम को भेजेगा, ठीक है। तो वह जो आपात स्थिति होती है उस आपात स्थिति में वह इसका प्रमुख भी होता है, प्रशासनिक प्रमुख बन जाता है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई मुख्य सचिवों की वार्षिक बैठक में वह भाग लेता है, साथ ही साथ वह राज्य कैबिनेट व उसकी समितियों के लिए सचिव की तरह कार्य करता है और राज्य प्रशासनिक सेवा की मुखिया की तरह यह कार्य करता है। कौन? आपका मुख्य सचिव। अब हम बात करते हैं मुख्य सचिव बनाम कैबिनेट सचिव, दोनों में अंतर क्या है, क्या कैबिनेट वाले को कुछ ज्यादा पावर मिली है? देखो, मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव में जो अंतर है आपके समानताएं से सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दोनों अपने अपने कैबिनेट के सचिव होते हैं, वो राज्य कैबिनेट का है, ये आपका केंद्र कैबिनेट का है। दोनों ही अपने नागरिकों से संबंधित सेवाओं के मुखिया होते हैं, वे अपने प्रमुख कार्य प्रमुखों के प्रमुख सलाहकार होते हैं, ठीक है, वो भैया सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, ये आपके मुख्यमंत्री के हैं। दोनों अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक होते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें असमानताएं क्या हैं। एक तो समानता मिल गई, असमानता यह है कि राज्य सचिवालय के कुछ विभाग सीधे मुख्य सचिव के अधीन होते हैं, जबकि कैबिनेट सचिव के अधीन केंद्रीय सचिवालय का कोई विभाग नहीं आता है सिवाय कैबिनेट सचिवालय के, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय तो बताओ मतलब पद बड़ा है और पावर में तो छोटा हो गया। इधर आगे बात करते हैं, कैबिनेट सचिव के मुकाबले मुख्य सचिव की शक्तियां एवं कार्य बहुत अधिक है। कैबिनेट सचिव के मुकाबले अगर देखा जाए जो राज्य का आपका मुख्य सचिव होता है इसकी पावर और इसके कार्य बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। अगले आगे जो है अगली चीज देखें, मुख्य सचिव राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का सिर्फ मुखिया है और यह राज्य का प्रशासनिक प्रमुख बैठा है कि राज्य में जो प्रशासन चल रहा वह प्रशासन क्या उसका जो मुखिया बनेगा वह आपका मुख्य सचिव होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। देखो, शासन और प्रशासन, ये प्रशासन जो आप शब्द सुन रहे हो, प्रशासन जैसे कहीं कहीं देखते हो कि आप उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहता है किसी गाड़ी में, कहीं पर आपका उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, ठीक है। शासन जो है यह नीति का निर्धारण करता है, नीतियों को क्या करता है, बनाता, प्रशासन उन नीतियों को लागू करवाता है, बस यही अंतर है शासन और प्रशासन में, ठीक। तो ये मुख्यमंत्री से संबंधित सारी डिटेल रही आपकी, उम्मीद है सब कुछ आप समझ गए होंगे। इससे बढ़ ज्यादा मुख्यमंत्री से कोई चीजें नहीं पूछता है, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ठीक, जितना संवैधानिक प्रावधान है सब कुछ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे जहां पर मैं आपसे बात करूंगा विधान, जो आपके विधायिका है, राज्य विधायिका है, इनका गठन कैसे होता है, इनके अधिकारी गण कौन होते, इनमें कार्य क्रियाकलाप कौन से होते हैं, उन सारी चीजों में। तो जैसे टीम आपको मार्गदर्शित करती है, जैसे मेहनत कर रही है, वो उसी ईमानदारी के साथ आप लोग लगे रहें। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।